बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर। आज हम बात करते हैं प्राप्त और प्रतीति का। दो वस्तुएं हैं प्राप्त और प्रतीति। इन दोनों में फर्क है। प्राप्त परमात्मा और प्रतीति संसार है। जो प्राप्त है वह तो दिखता नहीं और जो प्रतीत हो रहा है वह रहता नहीं। मैं हूँ यह जो अपनी सत्ता है, अपना होनापन है, यह प्राप्त है। कारण कि जगत में जागृत स्वप्न सुसुप्ति समाधि और मूर्छा, इन अवस्था में अपने सत्ता कभी भी अभाव नहीं होता, परंतु यह सत्ता दिखती नहीं, जो शरीर और संसार दिखाई दे रहे हैं उसकी केवल प्रतीति हो रही है, वास्तव में उनकी सत्ता नहीं है। जो प्राप्त है उसका कभी नाश नहीं होता, वह सबको सदा ही प्राप्त है, परंतु उसकी प्रतीति नहीं होती, अर्थात उसका ज्ञान इदंतता से नहीं होता। जैसे आँख से संसार दिखता है पर आँखों को किससे देखें, ऐसे ही जो सबको जानने वाला है उसका आधार है, उसका प्रकाश है, उसको किससे देखें। विज्ञा तारमरे कैन विजानी आत। परंतु जैसे जिससे यह संसार दिखाई देता है वही आँख है, ऐसे ही जिसकी सत्ता से यह संसार प्रतीत हो रहा है, जिसके आधार पर संसार टिका हुआ है, जिसके प्रकाश से संसार प्रकाशित हो रहा है, वही प्राप्त परमातत्व है। जो प्रतीत होता है वह संसार कभी एक रस रहता नहीं है, वह प्रतिक्षण बदल रहा है, यह कोई अपरिचित बात नहीं है। सीधी साधी सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। यदि संसार रहने वाला होता तो फिर वह बदलता कैसे, परंतु इन सबको जानते हुए भी हम इसे मानते नहीं। प्रत्युत संसार को है मान लेना, जिस है से यह संसार प्रकाशित हो रहा है, जिस है के आधार पर यह दिख रहा है, उसको प्राप्त करने में बड़ी कठिनता मान ली। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य प्रत है उसको अप्राप्त मान लिया और जो प्रतिक्षण बदल रहा है उसको प्राप्त मान लिया। जासु सत्यता तेजन माया, भास सत्य इव मोह सहाया।
परमात्मा की सत्ता से ही यह जड़ माया संसार मूढ़ता के कारण सत्य की तरह दिखती है। मूढ़ता के कारण यह सत्य भले ही दिखे पर वास्तव में सत्य है नहीं। इस संसार को देखने वाली इंद्रियां, मन, बुद्धि और देखने वाला संसार, ये दोनों एक ही जाति के हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का प्रकाशक जीवात्मा और संसार मात्र का प्रकाशक परमात्मा, ये दोनों भी एक ही जाति के हैं। जीवात्मा और परमात्मा नित्य प्रत्यय है और नित्य प्राप्त है, क्योंकि ये नित्य रहते हैं तथा शरीर और संसार नित्य ही अप्राप्त है, क्योंकि ये प्रतिक्षण बदलते हैं। जो प्रतिक्षण बदल रहा है वह बह रहा है, वह टिकेगा कैसे? टिक सकता ही नहीं, प्रत्यक्ष बात है। आपका जो बचपन था वह कहाँ गया? पहले जो परिस्थिति थी वह कहाँ गई? यह सब का सब नहीं, मैं भी भर्ती हो रहा है। परंतु जो नहीं में भर्ती होने वाले को जानता है वह नहीं में भर्ती कैसे होगा? वह तो है ही, यदि वह नहीं हो तो फिर नहीं हो जाने का और नहीं हो जाएगा। जो नहीं हो जाने वाला है उसकी प्राप्ति के लिए क्या करें? कुछ नहीं करें। कुछ नहीं करने का अर्थ आलस, अकर्मण्यता, प्रमाद नहीं है। कुछ नहीं करने का अर्थ है जो है उनमें स्थित हो जाए। गीता में कहा गया है, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। तात्पर्य है कि जो आत्मा सर्वत्र गया हुआ है, अतति सर्वत्र गच्छति इति आत्मा, अर्थात जो सर्वत्र परिपूर्ण है, जिसमें स्थित होकर के कुछ भी चिंतन ना करें। कारण कि परमात्मा का चिंतन करोगे तो उसकी और अपनी स्थिति से नीचे आ जाओगे। परमात्मा को अपने से अलग मानने पर ही चिंतन होगा, क्योंकि चिंतन में जितना चिंतन किया जाए वह और चिंतन करने वाला दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए मैं है में स्थित होकर चुप हो जाए, यह युक्ति बहुत बढ़िया है। चुप होने से है मैं अपनी स्वतः सिद्धि स्थिति का अनुभव हो जाएगा। इस स्वतः सिद्धि स्थिति को गीता ने स्वस्थ पद से कहा है। वास्तव में सभी मनुष्य स्व में ही स्थित रहते हैं, पर भूल से अपनी स्थिति पर शरीर में मान लेते हैं। गीता ने कहा है, पुरुष सुख दुख खाना भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, अर्थात पुरुष सुख दुख के भोक्तापन में हेतु बनता है। कौन सा पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है? पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जागरूनाम, अर्थात प्रकृतस्य पुरुष ही प्रकृति गुणों का सुख दुखों का भोक्ता बनता है। वह सुख दुख में सब
और सम कब होता है? स्व में स्थित होने पर। स्व में स्थित होने में ही और स्थित होने में भी क्या कोई मेहनत करनी पड़ती है? स्व में स्थित हो, स्व में स्थित तो है ही, इसलिए कोई भी चिंता ना करें। इस अवस्था में जितना ठहर सको उतना ठहर जाओ। कोई स्फुरना पैदा हो तो उसको सत्ता ना दो, वह अपने आप नष्ट हो जाएगी। पैदा होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है। पैदा होने के बाद खास काम नष्ट होना ही है। अतः नष्ट होने वाली चीज का क्या ख्याल करें? आ गई तो आ गई, चली गई तो चली गई, लहर उठ गई फिर शांत हो गई, इसमें राजी और नाराज क्या हो? आई हुई चीज जाती हुई दिख जाए तो क्या अपराध हो गया? उसको अच्छी और मंदी समझना ही फंसना है। वह आई है तो उसको जाने दो, उसकी उपेक्षा करो, उससे उदासीन रहो। लोग मन को रोकने के लिए बहुत मेहनत करते हैं पर मन रुकता नहीं। मन को रोकना नहीं है, मन को ना तो रोकना है और ना चलाना है। मन जैसा है वैसा ही छोड़ दो, उसकी उपेक्षा कर दो, उदासीन हो जाओ, फिर संकल्प विकल्प आप से आप मिट जाएंगे। वे तो आप से आप ही मिट जा रहे हैं, जानबूझकर उनको मिटाने की आफत क्यों डाल लेते हो? उनको मिटाने की चेष्टा करना ही उनको सत्ता देना है। भगवान ने अपनी तरफ से कहीं ऐसा नहीं कहा कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। प्रयुत सने सने रूप में पदों से उपराम होने के लिए कहा है। मन को पकड़ने के विषय में अर्जुन के पूछने पर ही भगवान ने उनको बताया कि अभ्यास और वैराग्य से यह मन पकड़ा जा सकता है। अर्जुन ने दो श्लोकों में प्रश्न किया और भगवान ने दो श्लोकों में ही उत्तर दे दिया। इतना थोड़ा भगवान किसी प्रश्न के उत्तर में बोले ही नहीं। दो श्लोकों में भगवान ने केवल आधे श्लोक में ही उत्तर दिया और आधे श्लोक में अर्जुन की बात का समर्थन किया। फिर भगवान ने बताया कि मन को पकड़ने मात्र से मुक्ति नहीं होती, मन को वश में करना चाहिए। जिनका मन वश में नहीं है उच्छल है, अर्थात संसारिक भोगों में जिसकी रुचि है, उसके द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है। परंतु जिसका मन वश में है ऐसे यत्न करने वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है। मन को वश में करने का अर्थ यह नहीं है कि मन में पकड़ लूं, एकाग्र कर लूं। मन के वश में ना होने की और ना होना ही मन को वश में करना ही है। इसी तरह भगवान ने इंद्रियों के तथा राग द्वेष के वश में ना होने की बात कही है। राग द्वेष वश में ना होने का अर्थ है कि उसके कहने के अनुसार काम न करें और उसकी दशा देखकर चिंतित ना हो। वह ज्यों बहता है क्यों बहता है, स्वयं उससे अलग रहें, तटस्थ रहें। वास्तव में आप अपने तटस्थ ही हो, आप उसके साथ रहते नहीं हो। वह तो बदलता है पर आप नहीं बदलते हो, आप बिल्कुल उससे अलग हो। इस तरह आपको अपने से अलग जानना है।